सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अपने हड़ताल से काम पे वापस आ जाएं। जी हाँ, इसी प्रकार से नोटिस आप लोगों को ग्रुप में भेजे जा रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखलाते हैं कि विभाग के द्वारा क्या नोटिस भेजा गया है। एक आंगनबाड़ी सेविका बहन जो है हमें इस प्रकार से एक नोटिस भेजी है, जिसके बारे में आपको आज के इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिछले एक महीने से लगभग सभी आंगनबाड़ी सेविका बहन हड़ताल पर जुटी हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। तो विभाग द्वारा क्या नोटिस पत्र भेजा गया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। अगर आप भी इस प्रकार से कोई नोटिस भेजना चाहते हैं या कोई न्यूज़ हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना चाहते हैं, तो मेरा नंबर यहां पे शो हो रहा है, आप लोग उस पर अपना जो भी न्यूज़ हो, जो भी लेटर हो, आप हमें भेज सकते हैं, जिसका मैं वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की जो ये वीडियो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं कि बाल विकास परियोजना कार्यालय से क्या नोटिस आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पर लिखा गया है बाल विकास परियोजना कार्यालय एकमा सारण। तो ये एकमा की न्यूज़ है और इसी प्रकार से हर एक परियोजना में आप लोगों को ये सारी लेटरें प्राप्त हो रही होंगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इस लेटर में क्या लिखा गया है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा गया है आदेश आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से हड़तालरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को अनिश्चितकालीन हड़ताल से वापस लौटने हेतु सूचित किया गया है। जैसा कि आप लोग अपनी मांगों को लेकर पटना में जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो उसको लेकर यहां पे जो है कि विभाग आप लोगों को आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और आप लोगों को हड़ताल से वापस आने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से लेटर भेजी जा रही है। ठीक है, देखिए इसके आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त परियोजना अंतर्गत हड़तालरत सभी सेविका सहायिकाओं को इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या दिनांक 25/10/2023 द्वारा अपने कर्तव्य पर वापस लौटने का निर्देश देते हुए नियमित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप में भी अनुरोध किया जा रहा है। तो जो सेविका सहायिका बहनें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हैं, उनको यहाँ पर मैसेज भी भेजा जा रहा है ग्रुप में कि आप लोग अपने काम पर वापस आ जाइए। किंतु अब तक कुछ एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को छोड़कर हड़तालरत सभी शेष सेविका सहायिकाओं द्वारा कर्तव्य पर वापस लौटने की सूचना नहीं दी गई है। देखिए कुछ एक आंगनबाड़ी सेविका जो है वो अपने काम पे वापस लौट चुकी हैं और वो अपना आंगनबाड़ी केंद्र संचालन कर रही हैं, जो कि ये बहुत ही गलत है। आप लोग अपने संघ के साथ मिल के काम कीजिए। आप लोग अब जो भी निर्णय होगा संघ लेगा, आप लोग किस प्रकार से काम करना है, आगे हड़ताल करना है या नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने में एकजुटता दिखानी होगी, तभी आप लोगों का जो ये हड़ताल है वो आपका सफल होगा। तो इस प्रकार से सेविकाओं को निर्देश दिया जा रहा है। आगे लिखा गया है, आप अवगत हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन बाधित होने के कारण बच्चों तथा गर्भवती धात्री महिलाओं हेतु पोषाहार एवं अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं अवरुद्ध है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर निर्गत निर्देशों का उल्लंघन है। ठीक है, तो इस और आगे लिखा गया है, अतएव जिला प्रोग्राम पदाधिकारी छपरा सारण के आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि परियोजना अंतर्गत हड़तालरत सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आज दिनांक 13/11/2023 के अपराह्न तक, यहाँ पर देख सकते हैं आज की ही डेट यहाँ पर दिखाई जा रही है, 13/11/2023 के अपराह्न तक निश्चित रूप से अपने कर्तव्य पर वापस लौट आए, अन्यथा बाध्य होकर आपके विरुद्ध आईसीडीएस निदेशालय का पत्रांक संख्या इतना दिनांक 20/1/2017 द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालन एवं दंड हेतु निर्गत मार्गदर्शिका कंडिका 2 की उप कंडिका क एवं ख में निहित प्रावधानों के आलोक में समुचित विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का यहाँ पे सिग्नेचर है। तो इस प्रकार से जो है कि विभाग द्वारा आप लोगों को लेटर दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।